ऑल ऑफ यू, आज मैं बना रही हूँ ये रेसिपी जिसे कहते हैं कढ़ाई पनीर। ये मैंने शिमला और थोड़े से प्याज मोटा कट करके उसमें डाल के फ्राई करने के लिए रखा है। ये है पनीर, ये है ग्रेवी के लिए टोमेटो पेस्ट, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, धनिया गरम मसाला, और अब इसमें मैं मैजिक मसाला भी डालूँगी, थोड़ा सा मैगी का। ये प्याज कट करके रखा है, इसे फ्राई करूँगी और तब इसमें बाद में डालूँगी, पहले ये सौते हो जाएंगे, उसके बाद मैं इन्हें निकाल के रख लूँगी। ये पनीर इधर कट करके रख लिया, तो सारी प्रिपरेशन हो गई है। हम लोग टाटा सॉल्ट की बजाय थोड़ा सा दरदरा मोटा नमक और ब्लैक वाला जो सॉल्ट आता है वो यूज़ करते हैं। अब मेरा ये ब्लैक सॉल्ट, एक पिंच ब्लैक सॉल्ट ही मैं इसमें डाल दूँगी। और बाहर हो गई है अच्छी सी गुड मॉर्निंग। देखिए मौसम बिल्कुल क्लीन, आज 8 बजे ही धूप आ गई सारी, और बहुत ही अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देख के, बहुत फ्रेश फील होता है। जिंदगी के साथ अचानक ही मन की बात, तेरी फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। मेरी ये फेवरेट मूवी है, इसका गाना मैं गुनगुना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ज़्यादातर मैंने इसको देखा है कम से कम 5 से 7 बार तो देख लूँगा। हल्का सा मैं पनीर को भी सौते करूँगी। माई फेवरेट मूवी इज अमर प्रेम, और ये क्या बोलते हैं उसको, गाइड। इनके गाने भी बहुत बेहतरीन हैं और हर तरीके से ये मूवी बहुत ही डिफरेंट है। गाइड की स्टोरी जैसी स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी, इट इज़ वेरी ट्रू रिटन स्टोरी। इन मूवीज़ के गाने बहुत अच्छे हैं और ये इन फिल्मों की स्टोरी भी बहुत अच्छी तरीके से रिटन की गई है। स्टोरी में जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ओल्ड मूवीज़ का तो जवाब नहीं। पीछे पीछे सपनों के भागे, तो ये रेडी हो रहा है। वह इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, टाइट नहीं करेंगे, मैं बस हल्का सा इसको ऐसे करके। हर इंसान की अपनी एक रेसिपी होती है जिसको वो अपने हिसाब से डाल लेता है, बेसिक रेसिपी एक ही होती है, लेकिन जहाँ उनको थोड़ा सा चेंजेस करने होते हैं सभी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कच्चा कच्चा पनीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइट भी नहीं, तो मैं उसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज जो मैंने चॉप करके रखा है, ये ग्रेवी के लिए, और अब इसमें जाएगा ये जीरा। जीरा डाल दिया मैंने, थोड़ा सा जीरा और डालूँगी। कल मैं गई थी कृष्ण बलराम टेम्पल, जो मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है, लेकिन मैं चली जाती हूँ वॉक करके, क्योंकि मेरे को वॉक भी हो जाती है और वहाँ से
आके फिर मैं थोड़ा सा टायर्ड हो जाती हूँ तो रात में मुझे नींद भी अच्छी आती है। बहुत ही अद्भुत दर्शन भगवान के, और पता नहीं मंदिर में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि आप वहाँ जाते हैं तो आपका लगता है कि पूरा शरीर हल्का महसूस करता है, दिमाग हल्का महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि अगर घर के पास कोई मंदिर है तो जब भी टाइम मिले सुबह या शाम एक बार जाके जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। अब ये प्याज फ्राई हो रहा है, गाइड मूवी की जो सबसे अच्छी बात थी वो मुझे ये लगी कि इंसान, आप किसी के लिए क्या सोचते हो और सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है। आप तो उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हो और सामने वाले को उसमें कोई लालच नज़र आता है, तो इससे ज़्यादा दुख भरी स्टोरी किसी से नहीं हो सकती कि जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोचो और सामने वाला सोचो कि आप लालच में कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों से दूर ही रहना भला है, रिश्ते बिना लालच के ही खूबसूरत होते हैं। चलिए अभी फ्राई हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है तो तब तक कुछ सोचते हैं। अच्छा एक मूवी और भी थी, गोलमाल रिटर्न, पुरानी वाली गोलमाल, गोलमाल रिटर्न तो नई वाली है, जो पुरानी वाली थी वो भी बहुत अच्छी थी। बड़ी नॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली जो मूवी होती है जिसमें ज़्यादा शोशाबाजी नहीं होती वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। नॉर्मल लाइफ की नॉर्मल घटनाएँ जो सभी के साथ घटी होती है, मैं देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि ये सब तो आपके साथ भी हुआ। प्याज फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए। मेरा चॉपर ख़राब हो गया तो मैंने इसे हाथ से ही कट किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से बारीक नहीं हो पाया, बट ठीक है मीडियम है। तो जब ये पिंकिश हो जाएगा तो इसे टोमेटो डाल दूँगा। अच्छा एक चीज़ तो रह गई, ये है मेरा हैंडमेड अपने घर का बनाया हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा मोटा है लेकिन हम ये यूज़ करते हैं। अरे हाँ एक मूवी और थी जो बड़ी अच्छी लगी थी, वो भी मैंने बहुत साल पहले ही देखी थी टीवी पे। एक थी उसमें से शतरंज के खिलाड़ी और एक थी उमराव जान। इन दोनों की भी स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने वाली मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे बैक में कई साल पहले कैसे हुआ था, वो सब वाली मूवीज़ का मुझे बहुत शौक़ है। अब मैं डालती हूँ उसमें टोमेटो, और मुझे आजकल एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आपको अगर घर में भी आप हो और आप कुछ करना चाहते हो तो YouTube से अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म लगता है नहीं। उसमें आप कुछ भी अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं और अपना कोई भी हॉबी परस्यू कर सकते हैं, इससे आपका मन भी लगा रहता है और आप कुछ काम भी कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च और प्याज जो हमने पहले हल्के से फ्राई कर दिए थे। पनीर में लास्ट में डालूंगी जब ये थोड़ा सा और अच्छे से कुक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।